हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कोई भी कार्ड है वो DTH है, उसमें 0-0 सिग्नल की जो प्रॉब्लम बन जाती है वो हमारी 99% से हमारा नेटवर्क ऐसे ख़राब हो जाता है, तभी हमारे 0-0 सिग्नल की प्रॉब्लम बन जाती है। तो क्या होता है कि अगर जिसके पास हॉट गन नहीं है, SMD मशीन नहीं है, तो उसको किस प्रकार से IC को रिमूव कर पाए बहुत ईजी तरीके से, तो मैं वही आपको प्रोसेस बताने की कोशिश करूँगा। इसमें आपको एक सोल्डिंग आयरन चाहिए होगी, जो कि आपके पास 20 से 25-35 वाट तक होगी। अगर 35 वाट की होगी तो और अच्छी बात है, तो मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 25 वाट की है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जिसकी बीट है यहाँ पास जो मोटी है यहाँ साइड, तो यहाँ पास आपको इस प्रकार सोल्डिंग आयरन रख के, मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, जिस यहाँ पर आपको रख के ऐसा रख देना होगा इसको। इसको रखने के बाद आपको क्या करना होगा, नेटवर्क आईसी के ऊपर हल्का सा पेस्ट अप्लाई कर देना होगा, जो कि मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। कोई सा भी आप पेस्ट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं इस प्रकार का पेस्ट ले रहा हूँ। यहाँ पास मैंने इस पेस्ट को अप्लाई यहाँ पास कर दिया है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेटवर्क आईसी बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं मैं रोज़ वीडियो अभी लेकर नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आपके सामने और इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेटवर्क ऐसे हीट होने के बाद धीरे धीरे कर उठ जाएगा, आप मतलब वो इतना धुआं देने लगेगी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर नेटवर्क ऐसी हमारी हीट हो रही है, यहाँ पर से धुआँ भी उठना शुरू हो चुका है, आप हल्का हल्का देख ही सकते होंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पास देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे से नेटवर्क ऐसे उठने के लिए बिल्कुल तैयार। ये क्या है कि सोल्डरिंग आयरन तो इतना ताकत तो नहीं हो पाता है SMD बराबर, लेकिन फिर भी हमारी इससे बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं बनता। और यहाँ पास मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो भी छोटे मोटे कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, आप SMD से हवा देकर एक कंपोनेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारे कंपोनेंट उड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम नीचे से इसको हीट देते हैं तो हमारे कंपोनेंट एक एक करके आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं बनता। और हमारी थोड़ी देर में ऐसे आपके सामने निकल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी IC निकालने के लिए, ये देखिए हमने IC को उठा लिया, हमारे यहाँ पर प्रिंट एकदम सही है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा तो हमारी IC जहाँ से उठी थी वहीं पर एकदम प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी। और इसको चेक करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ से हल्का सा मूवमेंट करेंगे तो जहाँ पर IC सेट होनी चाहिए वहीं पर आकर स्टक हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और बहुत ही आसान तरीके से इसको उठा लेना है, उसके बाद फिर भी रख देंगे तो हमारे ऐसे दूसरी सेट हो जाएगी। और जिस प्रकार से आपने IC को निकाला उसी प्रकार से आप लगाएंगे। देखिए, दोबारा मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे उसी प्रकार से फिक्स हो जाएगा जिस प्रकार से फिक्स रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का टारगेट सिर्फ ओनली यही है कि आप सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से भी आप नेटवर्क IC को इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा कार्ड आया जिसमें मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम बनेगी, तो मैं उसमें सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से इसको भी IC को चेंज करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारे जितने भी छोटे मोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं सबको आप थोड़ा थोड़ा हिलाकर और क्या है कि इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ, ये हम हिला रहे हैं फिर भी वही जगह पर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से आप नेटवर्क IC को चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं बनता। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई, अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और मैं इस प्रकार के रोज़ लेटेस्ट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो उस प्रकार से मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं निवारण करने की पूरी कोशिश करूँगा और रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो सके। तो देखिए, हमारी नेटवर्क ऐसे एकदम आसानी से उठ भी चुकी है, लग भी चुकी, कोई भी दिक्कत नहीं बना, यहाँ पर हमारा कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। सिर्फ आपको इसके नीचे से हीट देना होगा, नीचे से आप हीट देंगे सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से, आसानी से हमारा कंपोनेंट हीट होगा, हीट होने के बाद हमारा सोल्डरिंग जो है मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आप IC को आसानी से रिमूव कर पाएंगे। और यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे कंपोनेंट लगे हुए सबको आप इस आयरन के माध्यम से, जितने भी छोटे मोटे कंपोनेंट इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप जो हमारी ये मेमोरी IC लगी हुई है इसको भी आप सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर छोटे वाले इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन RAM और मेन प्रोसेसर IC इसको आपको हीट गन से ही, मतलब SMD मशीन से ही रिमूव करना होगा। यहाँ तक कि आप इस ट्रांजिस्टर को भी सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। इसके भी नीचे से आप यहाँ से ज़्यादा से हीट देंगे तो हमारा सोल्ड जो ये है तो रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हीट देना होगा, यहाँ से ये ट्रांजिस्टर आसानी से रिमूव हो जाएगा।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।